बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू डीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कल की वीडियो हाई डिमांड ऑक्यूपेशन के ऊपर डालने के बाद बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले कि सर हम जॉब किस तरीके से अप्लाई करें, क्या टिप्स हैं या क्या ऐसी ट्रिक है जिसके जरिए हमें जॉब मिल पाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप हाई डिमांड ऑक्यूपेशन में अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब मिलने के। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो कॉमन वेज हैं कि आप जॉब किस तरीके से अप्लाई करते हो वो तो सबको पता है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऐसे तरीके हैं दोस्तों जिससे आप आसानी से जॉब गेट कर पाओगे और आपको जॉब ढूंढने के अंदर भी ज़्यादा मसला फेस करने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि अप्लाई करना तो करना कहाँ चाहिए, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप अपने लिए एक अच्छी जॉब तलाश कर सकते हो जिसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, ढूंढना ना पड़े। तो किस तरीके से कर सकते हो वो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। तो चलो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं google.com के ऊपर और यहाँ पर आपको सर्च करना है जॉब बैंक। अब मुझे पता है जॉब बैंक के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों जॉब बैंक में कुछ ऐसे फीचर्स भी है इनकी वेबसाइट के ऊपर जो कि आपकी काफी ज्यादा मदद करते हैं जॉब ढूंढने में। अब किस तरीके से, सबसे पहला रास्ता तो आपके पास यही है कि यहाँ पर आप किसी भी जॉब का टाइटल डालो और यहाँ पर जो है वो उसको सर्च कर दो। ये एक कॉमन वे है जो कि लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और इस तरीके की आपको जॉब्स देखने को मिलती है और आप इस पर अप्लाई कर लेते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा तरीका है जो कि बहुत कम लोगों को पता है वो है एडवांस का। आप एडवांस सर्च पर जाओ। अब यहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप जॉब का टाइटल डालो या फिर अगर आपके पास कोई लोकेशन है कि किस लोकेशन पे आपको जॉब फाइंड करनी है वो भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा एम्प्लॉयर का नाम तक डाल सकते हो। अगर आपको कोई लगता है एम्प्लॉयर वहाँ पे मौजूद है और उसकी जॉब पे आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयर का या कंपनी का नाम जो है वो डाल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि आपको परमानेंट जॉब चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब चाहिए, सीजनल वर्क चाहिए। तो किस तरीके की आपको जॉब चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब ज़्यादातर जो कनाडा के प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पर परमानेंट जॉब मांगी जाती है। अब आप जब नॉर्मली जॉब सर्च करते हो तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि वो जॉब परमानेंट है या फिर नहीं, तो इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पर आके टिक कर दोगे तो आपके सामने परमानेंट जॉब ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको फुल टाइम और पार्ट टाइम का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अब जो कनाडा के रीजनल प्रोग्राम्स हैं या फिर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं जो कि अभी नए भी लॉन्च हो रहे हैं या पुराने भी हैं, उसके अंदर ज़्यादातर फुल टाइम जॉब मांगी जाती है। अब जब भी हम जॉब को सर्च करते हैं तो ज़्यादातर हमें पार्ट टाइम जॉब देखने को मिलती है, तो अगर आप यहाँ पे टिक कर लोगे तो आपके सामने फुल टाइम जॉब ही देखने को मिलेगी। अब पार्ट टाइम जॉब दोस्तों हर रीजन में नहीं चल सकती, सिर्फ यूकॉन के अंदर चल सकती है। अगर आप यूकॉन पायलट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप बिल्कुल आसानी जो है वो पार्ट टाइम जॉब लेकर और फिर कनाडा इमिग्रेट कर सकते हो। अब पार्ट टाइम जॉब दोस्तों आसानी से मिल जाती है, लेकिन हर प्रोग्राम में नहीं चल सकती, सिर्फ यूकॉन के प्रोग्राम में ही चल सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आ जाती है लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश पर टिक कर सकते हो, अगर आपको फ्रेंच आती है तो फ्रेंच पर टिक कर सकते हो, या दोनों आती है तो दोनों पर टिक कर सकते हो। अभी फिलवक में इंग्लिश पर टिक कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर जो है वो फुल टाइम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आ जाती है वेरीफाइड जॉब्स, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स भी होते हैं जो कि वेरीफाई नहीं होते और आप अप्लाई करते हो तो आपको कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप यहाँ पे वेरीफाई जॉब्स के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने 100% जो है वो जेन्युइन जॉब्स ही देखने को मिलेगी। वैसे जॉब बैंक के ऊपर आपको 99% जो है वो बिल्कुल सही जॉब्स ही देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से जॉब हासिल करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन भी इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है कि आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। तो आपको एजेंसी की जॉब्स जो हैं वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास जॉब होती है वो देखने को मिलेगी। अब इसके जरिए होता यह है कि ये आपसे पैसे चार्ज करते हैं तो आपने पैसे भी इन्हें देने होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हो,
इसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, म्यूनसिपल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारे पास एजुकेशन और ट्रेनिंग का सेक्टर। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो आप डायरेक्ट इस पर टिक करके और ऐसी ही जॉब्स ढूंढ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास एजुकेशन नहीं है, सिर्फ 12 क्लास की एजुकेशन है, तो फिर आप यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल के ऊपर टिक कर सकते हो। और अगर आपके पास एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है तो आप इस पे नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट पे टिक कर सकते हो। अब आपके सामने ऐसी जॉब्स आएंगी जिसके ऊपर कोई एजुकेशन मांगी नहीं जा रही होगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जॉब कैटेगरीज भी है कि आपको मैनेजमेंट वाली जॉब्स चाहिए या दूसरे ऑक्यूपेशंस में चाहिए, सेल्स एंड सर्विसेज ऑक्यूपेशंस में चाहिए, तो यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हो और ऐसी ही जॉब फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको अल्बर्टा में जॉब मिले तो आप अल्बर्टा पे टिक कर सकते हो, ऑन्टेरियो के अंदर टिक कर सकते हो, क्यूबेक में टिक कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ जाना है उस हिसाब से आप टिक कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हो बेनिफिट्स भी हैं, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स भी हैं, तो अब इस हिसाब से जिस हिसाब से आपको जॉब चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे सेटिंग करके और फिर जो है वो सर्च कर सकते हो। सैलरी ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है कि अगर आपको लगता है कि आपको 20,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 40,000 कैनेडियन डॉलर तक जो है वो सालाना सैलरी मिल सकती है तो आप उसके ऊपर टिक करके और फिर ऐसी ही जॉब फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ कि अगर मैंने फुल टाइम कर दिया और यहाँ पे जो है वो परमानेंट जॉब कर दी, इसके अलावा इंग्लिश पे टिक कर दिया और वेरीफाइड जॉब्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो है वो हम कर लेते हैं 12 क्लास की एजुकेशन, ठीक है, और सैलरी पे अब हम टिक नहीं करते हैं और इसको हम कर लेते हैं सर्च, तो अब देखते हैं कि हमारे सामने कैसी जॉब्स आती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे सामने ये जॉब्स आ चुकी हैं और ये रिसेंटली ही पोस्ट की गई है, आप खुद भी देख सकते हो। और इसके ऊपर जब आप जाओगे दोस्तों, एक तो ये वेरीफाइड जॉब है, मतलब जो भी एम्प्लॉयर है सामने वो 100% बिल्कुल सही है। वैकेंसी एक है, ठीक है, इसके अलावा परमानेंट जॉब है। यहाँ पर आपको जो है वो लैंग्वेज, इसके अलावा एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलती है कि 1 साल से लेके 2 साल तक जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको मजीद रिक्वायरमेंट भी देखने को मिलेगी जॉब के हवाले से। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आके शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके और उनकी ईमेल एड्रेस कॉपी करके और उनको सेंड कर सकते हो अपना रिज्यूम। आपका जो रिज्यूम है दोस्तों वो भी कैनेडियन फॉर्मेट में होना चाहिए तो ही आपको रिप्लाई देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा लोग दोस्तों अप्लाई ज़रूर करते हैं यहाँ पे, 50-50, 60-60 जॉबों पे अप्लाई करते हैं, फिर भी उनको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। और कुछ ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जिन्होंने सिर्फ 10 जॉब पे अप्लाई किया और उनको फाइनली जॉब मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता यह है कि आपकी जो CV होती है, आपकी जो रिज्यूम होती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो कैनेडियन फॉर्मेट में नहीं होगी, नॉर्मल पाकिस्तान और इंडिया के फॉर्मेट में बनी हुई होगी, तो एम्प्लॉयर आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।